तो आ तरफ सूरत में फरी एक बार वरसाद की शुरुआत थी। बपोर उकळाट बाद वातावरण में कई पलटो आव्यो हतो। सूरत शहर वातावरण में पलटो जोवा मळ्यो छे। अलग अलग विस्तार में वरसादी झापटा पण सूरत में जोवा मळ्या। अटवा लाइन्स पार्ले पॉइंट विस्तार में वरसाद, गोड़तोड़ रोड वेसू पाल अडाजण विस्तार में वरसाद, ग्राम्य विस्तार में वरसाद थी खेडूतोना जीव ताळवे चोंट्या। डांगर सहित पाक में नुकसानी की भीति है। डांगर, सोयाबीन, मगफली सहित पाक में मोटा नुकसानी की खेडूतोने भीति सेवाई रही है। पाछोतरा वरसाद ने कारण खेडूतोना मोए आवेलो कोळियो तेमनाथी छीनवाई गयो होय ते प्रकारनी स्थिति जोवा मळी रही है। ग्राम्य विस्तार में वरसाद थी खेडूतोना जीव ताळवे चोंट्या। तो आ तरफ हवामान विभाग की आगाही ने पगले सूरत शहर वातावरण पलटो, अलग अलग विस्तार में वरसाद। सूरत शहर में फरी एक वक्त वरसाद की शुरुआत थी। दृश्य सीधा जोई सको छो, सूरत ना अठवालाइंस विस्तार नो नजारो छे, ज्यां फरी एक वक्त वरसाद नी हेली जोवा मळी रही छे। जे प्रमाणे दिवस दरमियान बफारा नो अनुभव थयो हतो अने बपोर बाद कड़ाका भड़ाका साथे अत्यारे वरसाद नी शुरुआत थई छे, त्यारे वरसादी माहौल वच्चे अत्यारे ठंडकनी राहत अत्यारे जोवा मळी रही छे। सूरत शहेरना अलग अलग विस्तारनी जो बात करवामां आवे तो अठवालाइंस, पार्ले पॉइंट, पीपलोद, गोड़दो रोड, यूनिवर्सिटी रोड, पाल अडाजण सहित विस्तार में अत्यारे वरसाद वरसी रह्यो छे। जे प्रमाणे छेल्ला बे दिवसथी बपोर बाद वरसाद धमाकेदार एंट्री मारे छे, त्यारे चोमासामां जता जता फरी एक वखत आ रीते वरसाद छे ए जोवा मळी रह्यो छे। जो कि रात्रिना समयगाळा दरमियान अने बपोर सुधी जबरदस्त बफारो होय छे अने बपोर बाद आ प्रमाणे वातावरण में अचानक पलटो आवे छे अने वरसाद नेली शुरू थाय छे। जे प्रमाणे अत्यारे हाल वरसाद वरसी रह्यो छे त्यारे लोकोने जरूर आनाथी राहत मळशे, परंतु खेडूतो माटे आ वरसाद नुकसानकारक साबित थशे। कारण के खेतरो में जे प्रमाणे तेओए रोपणी करी राखी छे, ऊभो पाक छे अने ऊभा पाक में आ रीते वरसादी पाणी जशे त्यारे तेने भारे नुकसान थवानी भीति रहेली होय छे। बे दिवसथी सतत जे रीते वरसाद वरसी रह्यो छे त्यारे सूरतना ओलपाड विस्तार में डांगरनो पाक छे, ए डांगरना पाकने नुकसानीनो आंकड़ो हजी तो गणतरी करवामां आवी रही हती, त्यां बीजी वखत आ रीते वरसादनी शुरुआत थई छे। बपोर बाद जे रीते वरसाद जोवा मळी रह्यो छे त्यारे अलग अलग विस्तारों में आने वरसादी माहौल जोवा मळी रह्यो छे। आ रीते झरमर वरसाद वरसतानी साथे वातावरण में जरूर ठंडक पसरी छे, परंतु आज वरसाद खेडूतो माटे राता पाणीए रोवानो वारो लावे तेवी अत्यारे स्थिति जोवा मळी रही छे। कैमरामेन राकेश पानवाला साथे धनराज बागले, एबीपी अस्मिता, सूरत। तो आ तरफ वलसाड में पण वरसाद जोवा मळ्यो छे। हवामान विभाग की आगाही ने पगले वलसाड ना वातावरण में पण पलटो आव्यो। वलसाड जिल्ला में वरसियो बरपाती नो वरसाद, वलसाड शहर अने ग्राम्य विस्तार में वरसादी झापटा गाजवीज साथे शहर अने जिल्ला में वरसाद वरसियो। वाहन चालकों ने पण हालाकी भोगवानो वारो आव्यो। ज्यारे हवे ऑफिस थी घरे जवानो राहदारीओ पोताना घरे जई रह्या होय तेज समय हवे वरसाद थता जे राहदारीओ छे, जे नोकरियात वर्गना लोको छे, ते तमाम लोकोने हालाकी भोगवानो वारो आव्यो। तो वरसाद थी डांगर, मगफळी, सोयाबीन सहित पाक ने पण नुकसानी की भीति है। तो रस्ता पर नदियों वहती हुई प्रकार दृश्य पण सामे आव्या छे। विजिबिलिटी में पण घटाड़ो वलसाड शहरी विस्तार अने ग्राम्य विस्तार में जोवा मळ्यो। आम तो आ ऑक्टोबर महीनो छे, परंतु जून जुलाई में जे रीते वरसाद पड़तो होय छे एज रीते समग्र वलसाड जिल्लानी अंदर तमाम तालुकाओं में वरसाद शुरू थयो छे। वलसाड शहरनी अगर बात करिए तो वलसाड शहरना तमाम रस्ताओ पर आ वरसादनी असर देखाई रही छे। ट्राफिकनी असर पण एना पर पड़ी रही छे। आप जोई शको छो जे प्रमाणे समी सांजे सतत वरसाद पड़ी रह्यो छे, जेने लईने घणा बधा नीचाणवाळा विस्तारो छे ए थोड़ा पाणी पाणी थया छे। तो बीजी तरफ जे ट्राफिक छे तेनी अंदर विजिबिलिटीनी पण असर जोवा मळी रही छे। खेती पाकने पण जिल्लाभरमां नुकसान थई रह्यु छे। खास करीने जे प्रमाणे अहीं डांगरनो पाक थतो होय छे त्यारे ए पाकने पण हाल आ के कही शकाय के कमोसमी वरसादने कारणे एने नुकसान थई रह्यु छे। तो बीजी तरफ नेशनल हाईवे नंबर 48 पर जे प्रमाणे अलग अलग विघ्नो आवी रह्या छे रोड बनावा माटे, खास करीने जे रोड तूटी गया हता आ वरसादने कारणे रोडनुं कामकाज पण थोड़ू थाय अने अटकी जाय छे, जेने कारणे नेशनल हाईवे नंबर 48 पर तकलीफ थई रही छे। जे खाड़ाओ छे एमां पाणी भराई जाय छे अने त्यारबाद फरी एमां काम थाय छे त्यारे हेवी व्हीकल्स एना परथी पसार थाय एटले फरी खाड़ा पड़ी जाय छे। आम वरसादे कही शकाय के वलसाड जिल्लानी अंदर जनजीवनने अस्तव्यस्त करी दीधुं छे। ब्रिजेश शाह, एबीपी अस्मिता,